हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हमने अभी तक बैक प्रोपोगेशन कर लिया है, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी हमने देख लिया है। आज की वीडियो में हम एक थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक कवर करेंगे। हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मेमोइजेशन। अब ये टॉपिक है तो कंप्यूटर साइंस का, बट इसका यूसेज आपको डेटा साइंस में भी कई जगह पर मिलेगा। जैसे कि बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम में इंटरनली जब इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया होगा तो वहाँ पे मेमोइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें समझाने वाला हूँ। पहला, मेमोइजेशन क्या होता है और बैक प्रोपोगेशन में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था बैक प्रोपोगेशन के तीनों वीडियोज़ में, और वो ये था कि अगर आपके पास एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स हैं तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट लेयर के जो वेट्स हैं उनका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ मेमोइजेशन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगेन, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मेमोइजेशन न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग में कैसे यूज होता है, स्पेशली वाइल डूइंग बैक प्रोपोगेशन, ये समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि मेमोइजेशन होता क्या है। ठीक है, सो मैंने गूगल पे सर्च किया मेमोइजेशन एंड दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट विकिपीडिया का। इन कंप्यूटिंग, मेमोइजेशन इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड प्राइमरली टू स्पीड अप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बाय स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल्स एंड रिटर्निंग द कैश्ड रिजल्ट व्हेन द सेम इनपुट्स अकर अगेन। सो सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा है जहां पर एक ही चीज का आउटपुट बार बार कैलकुलेट किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो कि जब पहली बार आउटपुट कैलकुलेट करते हो उसको कहीं पर स्टोर कर लेते हो, सो दैट जब आपको सेम इनपुट के ऊपर दोबारा से आउटपुट निकालने को बोला जाता है तो आप दोबारा से कैलकुलेट नहीं करते हो, आपने स्टोर्ड रिजल्ट को उठाना है और दिखा देना है। इस पूरी चीज से क्या होता है, आपका प्रोग्राम स्पीड अप हो जाता है, टाइम कम लेता है। नुकसान बस एक है कि आपको थोड़ा सा स्पेस खर्चा करना पड़ता है चीजों को स्टोर करने के लिए। तो ये एक बहुत फेमस ट्रिक है कंप्यूटर साइंस में। देयर इज अ ब्रांच ऑफ प्रोग्रामिंग कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग, वहां पर ये ट्रिक यूज किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ जो काइंड ऑफ हर जगह आपको दिखाया जाएगा जब भी आपको मेमोराइजेशन पढ़ाया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिबोनाची का कोड लिख रहे हैं। आई गेस आपको फिबोनाची सीरीज पता है जहाँ पे कोई भी गिवन टर्म का वैल्यू पिछले दो टर्म्स को ऐड करके मिलता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है फिबोनाची बोल के जिसको इनपुट में एन मिलेगा और मुझे बताना है कि nth टर्म क्या है, फिबोनाची का nth टर्म क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैं रिकर्शन यूज करूंगा, मेरा लॉजिक बहुत सिंपल होगा। अभी हम कोडिंग के ऊपर नहीं जा रहे, मैं बस आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। आई वुड से इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0, आई वुड सिंपली रिटर्न 1। एल्स व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल रादर आई वुड रिटर्न, खुद ही के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ n माइनस 1 के इनपुट से और फिर खुद ही को कॉल कर रहा हूं n माइनस 2 के इनपुट से। दैट्स इट, दिस इज द कोड। लेट मी शो यू, मैं एक बार फिबोनाची को कॉल कर रहा हूं और लेट्स से मुझे पता करना है कि 5 एज इन फिफ्थ टर्म क्या है। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा यू वुड गेट 8। ठीक है, यहां पे अगर मैं 10 लिखूं तो आई वुड गेट 89, अगर मैं 12 लिखूं तो आई वुड गेट 233। ठीक है, तो यू कैन सी ये कोड काम कर रहा है, बट ये जो कोड है ना ये बहुत ही इनएफिशिएंट कोड है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे लेट्स से 36 इनपुट दोगे, देखो थोड़ा ज्यादा टाइम लगने लगा इस प्रोग्राम को ये कैलकुलेट करने में, देख रहे हो। अब इतना बड़ा नंबर आ रहा है बट इट टुक सम टाइम, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। व्हाट इफ मैं इसको 40 कर दूं इनपुट को, अब देखो अब ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, मिनट्स में टाइम लेगा। इनफैक्ट अगर आपने यहाँ पे 40 के बदले 48 कर दिया तो 3 घंटे लगेंगे आउटपुट निकालने में, अगर आपने 100 कर दिया तो हो सकता है कि 2 महीने लग जाए। दिस इज हाईली इनएफिशिएंट। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सो हमने ये जो कोड लिखा है ये एक एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड है।
कैसे? देखो, आपको जब फिबोनाकी ऑफ 5 निकालना है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आपके लॉजिक के हिसाब से आप 4 का फिबोनाकी निकाल रहे हो, 3 का फिबोनाकी निकाल रहे हो, 4 के लिए आप फिर से 3 का निकाल रहे हो, 2 का निकाल रहे हो, 3 के लिए आप 2 का निकाल रहे हो, 1 का निकाल रहे हो, और 2 के लिए आप 1 का निकाल रहे हो, और आप 0 का निकाल रहे हो। अच्छी बात यह है एटलीस्ट कि आपको 1 और 0 का फिबोनाकी पता है, 1 होता है। तो यहां पर आप फिर से 2 के लिए 1 का निकालोगे और 0 का निकालोगे, यहां पे आप फिर से 2 का निकालोगे, 1 का निकालोगे, यहां पे 1 का निकालोगे, 0 का निकालोगे। सो यू कैन सी सिर्फ ये एक चीज निकालने में आपको कितनी चीजें रिपीट करनी पड़ी, आप नोटिस कर सकते हो। आपने 5 का निकालने के लिए 3 का 2 बार निकाला है, ये पूरा सब ट्री आपने रिकैलकुलेट किया है, ठीक है। 5 का निकालने के लिए आपने 2 एक बार, 2 बार और 3 बार निकाला है। नाउ इमेजिन अगर ये सेम ट्री आपको ड्रॉ करने को बोला जाए फॉर 48, उसके लिए आप 47 निकालोगे, 46 निकालोगे, 47 के लिए 46 निकालोगे, 45 निकालोगे, 46 के लिए 45 निकालोगे, 44 निकालोगे, और इमेजिन दिस ट्री ये कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसी का सॉल्यूशन क्या है कि सिंस आपको बार बार रिकैलकुलेट ना करना पड़े, तो लॉजिक क्या है कि एक बार आपने जिसको कैलकुलेट कर लिया, जैसे आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो अब दोबारा आप उसको कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। इनफैक्ट आई कैन शो इट टू यू, ये वाला कोड कितना इनएफिशिएंट है। देखो दिस इज द आउटपुट, काफी टाइम के बाद आया, मैं आपको टाइम मेजर करके दिखाता हूँ। इम्पोर्ट टाइम एंड व्हाट आई विल डू इज, देखना ध्यान से, व्हाट आई वुड डू इज मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और कोड के कैलकुलेट होने के बाद आई वुड प्रिंट टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट, और ये मुझे सेकेंड्स में बताएगा। सो अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे 36 डाला तो इतना सेकेंड्स लग रहा है मुझे, देखो 7 सेकेंड्स लगे। अगर मैं इसको 38 कर दूं तो आप देखना कितने सेकेंड्स लगेंगे। यू कैन सी नीचे पूरे फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं, 19 सेकेंड्स लग रहे हैं। यही अगर आप 40 कर दो तो वो एक मिनट तक चला जाएगा। सो इन शॉर्ट अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम, रादर यहाँ पे इनपुट टू द प्रोग्राम और यहाँ पे टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम, तो इट वुड बी लाइक दिस एक्सपोनेंशियल, बिकॉज यहाँ पे आपको हर एक काम करने के लिए 2 काम करना है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n है। इसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है, मेमोइजेशन। आप क्या करोगे, इस कोड में छोटा सा चेंज करोगे। चेंज क्या होगा कि आप एक डिक्शनरी बनाओगे और उस डिक्शनरी के अंदर आप ये स्टोर करोगे, 0 का वैल्यू 1, 1 का वैल्यू भी 1, और आप इस डिक्शनरी को इस फंक्शन में पास कर दोगे। यहाँ पर भी आप इस डिक्शनरी को रिसीव करोगे और यहाँ पे आप क्या चेक करोगे इस बार कि अगर इफ n इन d, इसका मतलब इस गिवन इनपुट का वैल्यू आप पहले से डिक्शनरी में डाल चुके हो, तो आप दोबारा ना निकाल के d के अंदर से n को रिटर्न कर दोगे। एल्स व्हाट यू विल डू इज आप ये लिखोगे डिक्शनरी ऑफ n इज इक्वल टू फिबोनाकी ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाकी ऑफ n माइनस 2 एंड यू वुड रिटर्न d ऑफ n। दिस इज द कोड। And this is the output. Just one second. यहाँ पे एक एरर है, हमें यहाँ पे भी इनपुट में डिक्शनरी पास करनी पड़ेगी, ये फंक्शन को अब एक डिक्शनरी भी चाहिए। ये रहा हमारा कोड, सी 38 कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, सिर्फ इतना टाइम लगा। अगर मैं यहाँ पे अब 100 भी दे दूँ तो बहुत कम टाइम लगेगा, ये देखो सेम ही टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूँ मेमोइजेशन क्या होता है। मेमोइजेशन इज अ ट्रिक, कंप्यूटर साइंस का एक ट्रिक है, जहां पर आप क्या करते हो, स्पेस का खर्चा करके टाइम को रिड्यूस करते हो, बेसिकली अपने प्रोग्राम को स्पीड अप करते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सेम ट्रिक आप कैसे बैक प्रोपगेशन में यूज करके अपना बैक प्रोपगेशन के एल्गोरिदम को फास्टर बना सकते हो। सो गाइज, अब हमें मेमोइजेशन के बारे में पता चल गया, अब हमें समझना है कि आप एक न्यूरल नेटवर्क के सेटअप में मेमोइजेशन को कैसे यूज़ करते हो जब आप बैक प्रोपगेशन यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। बट ये चीज़ समझाने के पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ जो मैं समझाना भूल गया जब मैं आपको बैक प्रोपगेशन पढ़ा रहा था,
और वो है कि अगर आपके पास एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें दो हिडन लेयर्स हैं, हमने अभी तक सिर्फ ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स पे काम किया जिसमें सिर्फ एक हिडन लेयर था, ठीक है। ये एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें दो हिडन लेयर्स हैं, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। तो मैं बस आपको वो फ्लेवर देना चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ा और उसको कैसे हैंडल करना है। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पे हमारे पास चार लेयर्स हैं, दिस इज़ द इनपुट लेयर, दिस इज़ द इनपुट लेयर, दिस इज़ हिडन लेयर वन, दिस इज़ हिडन लेयर टू एंड दिस इज़ द आउटपुट लेयर, ठीक है। मैं आपको इस जगह का एक वेट, इस जगह का एक वेट और इस जगह के एक वेट का डेरिवेटिव्स निकाल के दिखाऊंगा। डेरिवेटिव्स क्यों निकालते हैं हम, क्योंकि बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम में आपको क्या करना होता है, अपडेट करना होता है, और अपडेट करने के लिए आपको अपने सारे वेट्स और बायसेस का डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस लेयर में जो डेरिवेटिव्स होंगे उनका, इस लेयर में जो वेट्स हैं इनका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, यही मुझे आपको दिखाना है। बाय द वे, अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो हमारे पास टोटल मिला के इस न्यूरल नेटवर्क में कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, इफ़ यू काउंट, यहाँ पर है अपने पास 9 + 3, यहाँ पर है हमारे पास 6 + 2, और यहाँ पर अपने पास 2 + 1, सो ये हो गया 12, ये हो गया 8 और ये हो गया 3, सो टोटल मिला के हमारे पास 23 ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके क्या दिखाता हूँ कि कैसे आप ये सारे वेट्स कैलकुलेट करोगे इन अ कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क लाइक दिस, ठीक है। उसके लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, क्योंकि ये हमें पूरे टाइम स्क्रीन पे चाहिए, सो आई विल जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट दिस मच एंड लेट्स पिन इट टू द स्क्रीन। यस, नाउ व्हाट वी विल डू इज हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा वेट है इसके लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डेल ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू टू, एक्चुअली ये डब्लू थ्री होगा, डब्लू थ्री वन वन। अब देखो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका एल जो है वो डिपेंड कर रहा है वाई हैट पे, आप रिग्रेशन सेटअप भी ले सकते हो, क्लासिफिकेशन सेटअप भी ले सकते हो, और आपका जो वाई हैट है वो इन टर्न डिपेंड कर रहा है 5 चीज़ों के ऊपर, और उनमें से एक चीज़ है ये। तो आप एक्चुअली इस पूरे पूरे डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकते हो डी एल बाय डी वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय डेल ऑफ वाई हैट डेल ऑफ डब्लू थ्री वन वन, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले वेट का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि आप इस वेट का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ठीक है, ध्यान से देखना। सो इस वेट का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको निकालना है डेल ऑफ एल, इस वेट का नाम हो जाएगा 211, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखना ध्यान से क्या होगा कि लॉस डिपेंड्स ऑन वाई हैट, वाई हैट डिपेंड्स ऑन दिस आउटपुट, दिस आउटपुट, ठीक है। तो आई वुड राइट ओ टू वन एंड नाउ ओ टू वन डिपेंड्स ऑन आवर वेट विच इज डब्लू टू वन वन। तो इस बार आपका डेरिवेटिव आप इस तरीके से लिखोगे डेल एल बाय डेल वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय डेल वाई हैट बाय डेल ओ टू वन मल्टीप्लाइड बाय डेल ओ टू वन बाय डेल डब्लू टू वन वन। ये आप अभी तक हम लोग चेन रूल की ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट चेन रूल, ठीक है। अब यहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू होता है, मतलब आई होप यू आर गेसिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आप इस लेयर में किसी का भी, ये जो 6 वेट्स हैं इनमें से आप किसी का भी डेरिवेटिव आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, आप खुद से कॉपी पेन लेके कर सकते हो, ठीक है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस वाले लेयर में क्या प्रॉब्लम होगा, इस वाले लेयर में जो 9 वेट्स हैं इनमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम ये होगा कि एक बार अगर हम फिर से ये चार्ट के थ्रू समझें, इस चार्ट के थ्रू समझें, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि एल डिपेंड्स ऑन वाई हैट, वाई हैट डिपेंड्स ऑन ओ टू वन,
O21 डिपेंड्स ऑन O11 एंड नाउ O11 डिपेंड्स ऑन ये फर्स्ट लेयर वाला वेट. समझ में आ रहा है आपको? देखो, L डिपेंड्स ऑन y hat डिपेंड्स ऑन दिस आउटपुट. दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन दिस आउटपुट एंड नाउ दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन दिस वेट. ठीक है, तो यहाँ पे एक लंबा रास्ता आप चल रहे हो. बट द प्रॉब्लम इज दिस, आई विल शो यू. एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने W1 में चेंज किया, जब आपने यहाँ पे चेंज किया, तो इस वाले नोड का आउटपुट में चेंज आया. बट इस वाले नोड का जो आउटपुट है वो दो रास्ते से आगे जा रहा है. सी. सो इस बार एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पूरे फ्लो में. ठीक है, मतलब आप एक बार इस रास्ते से जा रहे हो और एक बार आप इस रास्ते से जा रहे हो, आपको इन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैथ्स में क्या होता है कि इस तरह का सिचुएशन में अगर आपको डिफरेंशिएट करने को बोला जाए तो आप क्या करते हो कि लेट मी शो यू. मान लो ये आपका एक्स है जिससे एफ एक्स बन रहा है और जी एक्स बन रहा है, और फिर इससे आपका एच एफ एक्स और जी एक्स बन रहा है, और आपको कोई बोले कि निकालो भाई ये, तो ये कैसे निकलता है? आप दोनों पाथ को ट्रैक करते हो. सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप ये लिखोगे डेल एच बाई डेल एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल एफ एक्स बाय डेल एक्स, और फिर आप इसमें क्या ऐड कर दोगे जो सेकेंड पाथ है, आप लिखोगे डेल एच ऑफ डेल जी एक्स टाइम्स डेल जी एक्स बाय डेल एक्स. ठीक है, सो आपको ये करना होता है. यहाँ भी सेम सिचुएशन है ऑलमोस्ट, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है, लेट मी शो यू, कि आपका यहाँ पे W111 है, इससे O11 बन रहा है. अब O11 से एक पाथ जा रहा है O21 की तरफ, O21 से दूसरा पाथ जा रहा है y hat की तरफ, और ये y hat जा रहा है loss की तरफ, और O11 से एक दूसरा पाथ है जो जा रहा है O21 की तरफ, और O21 से वो y की तरफ जा रहा है. दिस इज़ द पाथ. ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल l बाय डेल W11, ये चीज़ मुझे निकालनी है. तो ये जो लॉजिक हमने डिस्कस किया है इसी पे बेस आउट करके हम ये पूरा काम करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखना, हम जब ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली डेल एल इसके रिस्पेक्ट में डेल वाई हैट. अब मुझे इतना डिफरेंशिएशन निकालना है, ये वाला, ये डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है. बट ये जो डिफरेंशिएशन है वो बिल्कुल ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे. सो हम लोग पहले ये वाला पाथ लेंगे और फिर हम ये वाला पाथ लेंगे. ठीक है, तो पहले ऊपर वाला पाथ ले रहे हैं. ऊपर वाले पाथ के हिसाब से क्या होगा कि आपका डेल वाई हैट बाय डेल O21 मल्टीप्लाइड बाय डेल O21 बाय डेल O1 हो जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ डेल W11. ठीक है, और यहाँ पे अब सेकेंड पाथ लेंगे हम लोग. सेकेंड पाथ के हिसाब से क्या आ जाएगा, वाई हैट बाय O21, मैंने दोनों जगह O21 लिख दिया है, ये O22 होना चाहिए, माई बैड, दिस शुड बी O22, राइट, आप यहाँ से गुजर रहे हो, O22 होगा. सो दिस वुड बी O22 मल्टीप्लाइड बाय डेल O22 डेल O11 मल्टीप्लाइड बाय डेल O11 डेल W111 एंड दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर गाइस. ठीक है, सो यू कैन सी, अगर आपको इस वेट का डेरिवेटिव निकालना था, ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है,
जो आपने यहाँ पे निकाली, ठीक है। सिमिलरली इस लेयर में अगर आपको और किसी भी वेट का निकालना पड़ेगा तो आपको एग्जैक्टली यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू कैन सी जस्ट विथ टू हिडन लेयर्स, हमारे पास सिर्फ दो हिडन लेयर्स हैं और ऑलरेडी हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं उनको कॉल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो कितना कम्बरसम और डिफिकल्ट हो गया। हमें एक चीज़ को निकालने के लिए कितनी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ रही हैं, यू कैन सी। इमेजिन आपके पास एक बहुत डीप न्यूरल नेटवर्क हो विथ 10 हिडन लेयर्स, आप सोच के आपको डर लग जाएगा कि यार वहाँ पे कितने टर्म्स आ जाएंगे इस तरह के। तो यहीं पर फिर मेमोराइजेशन का रोल आता है, ठीक है। अगर आप बार बार ये कैलकुलेशन करने जाओगे तो ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना बहुत स्लो हो जाएगा, बट द गुड थिंग इज कि आप जब पीछे से स्टार्ट करते हो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना तो यहाँ पे आप जो डेरिवेटिव्स निकालते हो वो आपको यहाँ पे काम आते हैं और यहाँ पे जो आप निकालते हो वो आपको यहाँ पे काम आते हैं। सो बेसिकली एक बार अगर आपने यहाँ पे कोई डेरिवेटिव निकाल लिया आप उसको कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो और उसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो। तो इस पूरी चीज़ में क्या होगा, आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, भले ही थोड़ी सी मेमोरी लगेगी बट टाइम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा सकता हूँ। सो जब हमने फर्स्ट लेयर में यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, इस जगह पे जब हमने कैलकुलेशन किया था सबसे आउटर वाले वेट के हिसाब से, तो हमने ये चीज़ निकाली थी और हमने ये चीज़ निकाली थी। फिर हम जब जैसे ही सेकेंड लेयर में घुसे, यू कैन सी ये चीज़ बिल्कुल सेम है जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा क्यों निकालें, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। आपने ऑलरेडी अगर निकाल रखा है तो आप उसको यूज़ कर लोगे दोबारा। सिमिलरली ये चीज़ आपने नई कैलकुलेट की तो आप इसको कहीं पे स्टोर कर लोगे, इसको भी कहीं पे स्टोर कर लोगे क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा और सच में आपको आगे काम आएगा। नोटिस करना, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जगह पे ये जो चीज़ है, ये एग्जैक्टली वही है जो आपने यहाँ पे निकाली, ठीक है। ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली वही है जो आपने यहाँ पे निकाली, ठीक है। ये आपने नई चीज़ कैलकुलेट की बट इसकी ज़रूरत आपको फिर से यहाँ पर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि भले ही आपका ये जो एक्सप्रेशन होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है, यहाँ पे और बहुत सारे डेरिवेटिव टर्म्स ऐड होने लग जाते हैं, बट द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि न्यूरल नेटवर्क में जैसे जैसे आप पीछे जाओगे आपको पीछे के वेट्स और डेरिवेटिव्स की ज़रूरत दोबारा से पड़ती है। तो आप क्या करते हो, आप उसको स्टोर करके रखते हो और आप उसको रीयूज़ करते हो, एंड दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड मेमोराइजेशन। इससे क्या होता है, आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग बिकम्स फास्टर, ठीक है। तो यही है, मतलब बैक प्रोपोगेशन के बारे में जब बात होती है तो हमेशा याद रखना, बैक प्रोपोगेशन इज़ बेसिकली टू थिंग्स, इट इज़ चेन डिफरेंशिएशन या चेन रूल बोल सकते हो आप इसको, अप्लाइड विथ द टेक्निक ऑफ मेमोराइजेशन, ठीक है। चेन रूल इज मैथ्स एंड दिस इज कंप्यूटर साइंस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम बनता है जो केरास जैसी लाइब्रेरी यूज़ करती है या टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरी यूज़ करती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे अलग से आपको समझाना था बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपको। हमने दो चीज़ें पढ़ी, पहला तो कि जैसे जैसे आप डीप जा रहे हो अपने न्यूरल नेटवर्क में डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने में और ज़्यादा टर्म्स आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। आप थोड़ा और एक लेयर ऐड करके देखो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। तो खूब सारे टर्म्स आने की वजह से क्या होता है कि आपको बार बार सेम डेरिवेटिव्स रीकैलकुलेट करने पड़ते हैं, बट अगर आप सेम चीज़ को रीकैलकुलेट करोगे तो आपका एडिशनल टाइम वेस्ट होगा और वो अच्छी बात नहीं है। तो अपने ओवरऑल एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करने के लिए व्हाट यू डू इज यू यूज़ अ ट्रिक कॉल्ड मेमोराइजेशन, विच इज़ अ कोर ट्रिक बींग यूज इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। और इस ट्रिक को जब आप चेन रूल के साथ यूज़ करते हो बहुत इंटेलिजेंटली, दैट इज़ योर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि मैथमेटिकली चेन रूल इज़ द मेन गाय
और जब आप उसको कोड में कन्वर्ट कर रहे हो, मेमोइजेशन इज हेल्पिंग यू. ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा इंट्यूशन मिल गया. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. आई होप आपको वीडियो समझ में आया और पसंद भी आया. इफ सो प्लीज़ प्रेस दैट लाइक बटन. ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, मैं और इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.